कीजिए माई स्मार्ट चैनल को और घंटे बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा। नमस्कार सभी का फिर से वेलकम है चैनल में। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताना हूँ फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है जो आरटीई का फॉर्म है वो निकल चुका है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड किस तरह आप आरटीई का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। आप साइबर से भी भर सकते हो, आप खुद के लैपटॉप से, पीसी से, आप मोबाइल से भी भर सकते हो, आपके टैबलेट से भी भर सकते हो। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए फ्रेंड आपको आरटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। जैसे मैं आरटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, तो फिर आपको क्या करना है, मैं वेबसाइट की लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो फ्रेंड जैसे आप आगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा फ्रेंड, आपको क्या करना है, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो फ्रेंड, यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा, आपका चाइल्ड का लास्ट नेम देखना होगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम इंटर करना होगा। जैसे आप लास्ट नेम इंटर कर देते हो, फिर मिडल नेम इंटर कर देते हो, या फिर फर्स्ट नेम इंटर कर देते हो, फिर उसका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है फ्रेंड वो प्रॉपर इंटर करिएगा, ओके क्योंकि वो अगर एक बार वो इंटर हो गया उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे फ्रेंड हर डिस्ट्रिक्ट यहाँ ओपन हो चुकी है। फिर यहाँ फ्रेंड आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है, और फिर यहाँ ईमेल आईडी इंटर करके रजिस्टर करना है। फ्रेंड जैसे आप रजिस्टर करोगे, आपका रजिस्टर जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किया उसके ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड क्या करना है फ्रेंड, आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ लॉगिन में इंटर करना है। जैसे मैं एप्लीकेशन नंबर इंटर कर दिया हूँ, ओके आपको एप्लीकेशन नंबर इंटर करने का, आपको पासवर्ड इंटर करने का, फिर आपको यहाँ कैप्चर कोड डालना है और लॉगिन करना है। फ्रेंड जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह का जो पेज ओपन होगा फ्रेंड उसमें आएगा इंटर करना होगा फ्रेंड चाइल्ड के सब डिटेल, पेरेंट्स की डिटेल, मदर्स की डिटेल, फादर्स की डिटेल, चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ जो आपने पहले इंटर कर रखा है, फिर चाइल्ड का मेल फीमेल जो भी जेंडर है, ओके फिर आपको करंट एड्रेस इंटर करना है, ओके तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ जैसे फर्स्ट ऑप्शन आता है चाइल्ड का डिटेल, फ्रेंड आपको चाइल्ड का डिटेल फिल कर देना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ओके मिडल नेम, फिर मदर का नाम इंसर्ट करना है। जैसे मैंने भी टाइप करके रखा है तो फ्रेंड आप भी टाइप कर दीजिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स मेन प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रेंड्स आप जो इंग्लिश में टाइप कर दो उसको आपको मराठी में टाइप करना होता है और हिंदी में भी टाइप करना होता है, मतलब मराठी हिंदी में से एक में आप टाइप कर सकते हो। तो फिर आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए गूगल ट्रांसलेटर का भी ईजी टाइपिंग करके गूगल पर आप टाइप करोगे तो आपको ईजी टाइपिंग इंग्लिश टू मराठी करके आपको सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, उस पर टाइपिंग करके आप इंग्लिश टू मराठी में कन्वर्ट करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ओके। तो फ्रेंड जैसे आप ये सब प्रोसेस कर लो फ्रेंड आपको डेट ऑफ बर्थ आएगा, तो यहाँ आपको आपका जो एड्रेस है वो डालना होगा, आपका स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, ओके, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सर्च करना होगा, फिर आप गूगल मैप से भी यहाँ क्लिक करके गूगल मैप से भी आप अपना लोकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रेंड आप एक बात याद रखिएगा, जो आपका लोकेशन होगा लोकेशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, लोकेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। गूगल मैप से आपको आपका जो रहते हो वो आपको गूगल मैप में सर्च करना है, वहाँ पे पिन रख के उसको लोकेट करना है। तो फ्रेंड ये सब होने का फ्रेंड आपको सेकंड पे आना है, फिर एप्लीकेशन पे, जैसे नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन पे आ जाएगा। तो फ्रेंड एप्लीकेशन में आपको यहाँ देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड आपको यहाँ बच्चे का स्टैंडर्ड चूज करना आएगा। तो फ्रेंड जैसे आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाला उस हिसाब से यहाँ स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके नीचे यहाँ सेलेक्ट द मीडियम फॉर स्कूल, तो फ्रेंड आपको यहाँ मीडियम सेलेक्ट करना है, आपको इंग्लिश, तमिल, मराठी, हिंदी जो भी है, मैं फर्स्ट इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेकंड ऑप्शन उसके बाद अगर आपको मराठी चाहिए, हिंदी चाहिए, तमिल चाहिए, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, हाँ आपको मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड आपको कौन सेलेक्ट हो, रिलीजन आप हिंदू, मुस्लिम, मराठी, सॉरी जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चन जो भी हो, तो मैं हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए फ्रेंड अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप ओपन हो, तो अगर आप कास्ट से हो तो फ्रेंड उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। अगर आप ओपन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, आप जनरल में सेलेक्ट करिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट है आपका तो आपका जो भी कास्ट होगा वो सेलेक्ट करिए। जैसे मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स फिर चाइल्ड का डिटेल डालना है, आपका जो बच्चा हैंडीकैप है या नहीं है, तो नहीं है तो नो डालो, ऐसा है तो यस डालो, फिर कुछ भी इन्फेक्शन है, ऐसे भी इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी आपको ऐसा नो सेलेक्ट करना होगा। तो फिर यहाँ बच्चे का डेट, बच्चे का आधार कार्ड नंबर इंसर्ट करना है, ओके अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो। फिर यहाँ फ्रेंड आपको एनुअली इनकम ऑफ फैमिली, तो फ्रेंड यहाँ एनुअली इनकम लैक में करना है। अगर आप कास्ट से बिलोंग नहीं करते, आपका इनकम 1 लाख से कम है, तो जस्ट आपको 1 इंसर्ट करना है। आपको 1 लाख रुपया 100 करके नहीं डालना है, आपको जस्ट 1 लाख 1 इंसर्ट करना है। अगर 2 लाख है तो 2 इंटर करना है, अगर 3 लाख है तो 3 इंसर्ट करना है, ओके। फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो फ्रेंड इसके नीचे प्लीज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट यू प्रोसेस फॉर एडमिशन। तो फ्रेंड आपके एडमिशन में जो जो डॉक्यूमेंट है, तो आपके एड्रेस प्रूफ है तो आप एस कर दीजिएगा। एड्रेस प्रूफ में आपको लगता है राशन कार्ड, लाइट बिल, ये आपके पास आधार कार्ड, या आपका जो भी लाइट कोई जो भी डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास एड्रेस पे हो तो एस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा।
तो फिर उसके बाद हैंडीकैप है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको, इनकम सर्टिफिकेट आपको एस सेलेक्ट करना है या नो सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास है तो मैं एस सेलेक्ट करूँगा। तो फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आपको वो सेलेक्ट करना है, अगर कास्ट से हो तो नीचे आपको एस सेलेक्ट करना है। ओके तो फ्रेंड ये सब प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको सेव करना है, नेक्स्ट करके सेव कर देना है। ओके तो उसके बाद फ्रेंड आपको ऑप्शन आएगा स्कूल सेलेक्ट करना, तो फ्रेंड बहुत लोगों से प्रॉब्लम होती है स्कूल सेलेक्ट करने में। तो फ्रेंड जैसे आप अपना घर का लोकेलिटी डालोगे जो गूगल में मैप में जो पिन आउट किया है, उसके बाद आपको यहाँ आएगा सेलेक्ट स्कूल विद इन 1 किलोमीटर, तो आपके रेसिडेंट एड्रेस से जो भी स्कूल होंगे 1 किलोमीटर के अंदर वो इसमें आ जाएंगे, और जो भी अगर 1 किलोमीटर के अंदर भी आप जो स्कूल जाते हो नहीं आए तो आपके उसमें नेक्स्ट ट्राई करेगा विद इन 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसके बाद भी नहीं आया तो फ्रेंड आपको ग्रेटर देन 3 किलोमीटर आपको गवर्नमेंट 3 ऑप्शन देता है। ओके तो फ्रेंड उसके बाद आ जाएगा समरी, आपने जो भी डॉक्यूमेंट फिल जो अपने आपने डिटेल फिलअप किया है वो आपको इसमें लिख के आएगा, और आपको सबको राइट है तो आपको नीचे जाके सेलेक्ट करना है और उसको सेव कर देना है, अगर अगर इम्प्रॉपर है तो उसको वापस आप एडिट कर सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट होने का फ्रेंड आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर फिलआउट हो जाएगा, फिर उसको सेव करके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोसेस में हो जाएगा, तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है और उसको संभाल के रखना है। फिर इसमें आएगा एडमिट कार्ड, तो फ्रेंड जब आप सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर फिल कर दोगे उसके बाद एडमिट कार्ड उसके नेक्स्ट डे आ जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह आपको फॉर्म फिलअप करना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड अभी तक अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपको मेरे को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।